अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि क्या 2 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं, तो इसके हवाले से कन्फर्म हमें न्यूज़ बताएं और क्या 2 अक्टूबर को आएगा या नहीं। कुछ लोग एडमिशन के हवाले से भी पूछे, तो वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन इसको दबा लें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑल पे कर लें, ताकि आने वाली कोई जल्द न्यू वीडियो होगी आप तक पहुंचती रहेगी। और इंशाल्लाह पीएमएफ के हवाले से कोई भी अपडेट होगी आप इस चैनल पे रियल मिलती रहेगी। तो बात यह है कि 2 अक्टूबर को मैंने भी बताया था कि इनका रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है पीएमएफ का, जो जितनी ऑल कैटेगरीज है, डिस्पेंसर, एमएलटी, ओटी, डेंटल टेक्नीशियन जितनी भी है ना, सब का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। काफ़ी लोग परेशान भी थे कि कब रिज़ल्ट आएगा। तो अब बात यह है कि 2 अक्टूबर की डेट उन्होंने फिक्स बताई थी, और कुछ मेरे दोस्त हैं उन्होंने तकरीबन 2-3 दिन पहले उन्होंने कॉल की है पीएमएफ में, तो वो भी बता रहे थे कि उनको डेट थोड़ी चेंज करके बताई है, उन्हें बताइए कि शायद अक्टूबर के लास्ट वीक में आ सकता है रिज़ल्ट या 15 अक्टूबर को भी। तो ये डेट थोड़ी क्यास अराया भी हो रही हैं इस रिज़ल्ट के हवाले से। तो अभी तो 2 अक्टूबर ही फिक्स डेट है, अगर नहीं आया तो, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान भी हैं रिज़ल्ट के हवाले से, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। बाकी मैं आपको रियल न्यूज़ देता हूँ, कोई फेक न्यूज़ से आपको बचाता रहता हूँ। तो जो डेट वो देंगे, क्योंकि पेपर्स कुछ ऐसे भी हैं जो चेकिंग में प्रॉब्लम हुई है, कुछ बोर्ड से जो अभी तक नहीं चेक हुए, तो ऐसा भी हो सकता है शायद, जिसकी वजह से रिज़ल्ट मज़ीद डिले हो सकता है। क्योंकि मेरे दो दोस्तों ने रब्ता किया था, उन्हें 15 अक्टूबर को भी बताया है। तो देखिए, अगर 2 अक्टूबर को नहीं आता, फिर 15 या 2 अक्टूबर की लास्ट वीक में, ये 3 जो न्यूज़ है ना, ये अथेंटिक न्यूज़ हैं जो बता रहे हैं। क्योंकि पीएमएफ वाले पिछले दवा भी फिक्स उन्होंने डेट नहीं बताई थी, क्योंकि वो जो डेट देते हैं उस पर फिक्स नहीं होती, और बाज़ का वो डेट डिले हो जाती है। पिछले दवा भी उनके पेपर्स थोड़े रीचेकिंग प्रॉब्लम था, तो बोर्ड की वजह से, तो वो उन्होंने डिले कर दिया। तो इस दवा भी अब यही सुनने में आ रहा है कि इनका रिज़ल्ट शायद डिले भी हो सकता है। तो यही अपडेट आप तक पहुंचानी थी, लेकिन कोई भी मुझे अपडेट इस हवाले से मिलती है तो आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप 2 अक्टूबर तक वेट करें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा। और सबके लिए मेरी दिली दुआ है, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तब तक अल्लाह हाफिज़, हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।